नमस्कार दर्शकों, मैं कृति वढेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या के चैनल नंबर 1 से 12 पर। ये समय है सहयोग सेशन का, सहयोग जहाँ पर हम बात करते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग की हमारे यंगस्टर्स और बच्चों के लिए। और इंडीड ये जो पैंडेमिक का टाइम है इसमें बहुत जरूरी है घर बैठे ही बच्चों की काउंसलिंग करना, और यकीनन ये सहयोग सेशंस आपको कहीं ना कहीं उस काउंसलिंग में मदद करेंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ऑप्टिमिज्म के बारे में, ऑप्टिमिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वेलबींग। कैसे आशावादी होना हमें दिशा दिखा सकता है जीवन में आगे बढ़ने में, और इस पर और विस्तृत जानकारी डिटेल में देंगे हमारे दो बहुत खास एक्सपर्ट्स। मैं परिचय कराना चाहूंगी प्रोफेसर के बी रथ जी का, आर आई अजमेर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सहयोग सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच मैडम, नमस्कार सबको, वेलकम टू दिस सेशन जी। और प्रैक्टिसिंग काउंसलर जो आपके साथ ज्वाइन कर रही हैं, वैशाली पांडे। वैशाली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। और आज की इस खूबसूरत बातचीत को शुरू करें व्यूअर्स, उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहें तो हमारा टोल फ्री नंबर डायल करके हमें बताएं। नंबर रहेगा 8800440559। इस प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं, एनसीआरटी ऑफिशियल, और वहां भी लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सभी सजेशंस और क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। मेल करके सवाल पूछें, मेल आईडी रहेगी sahyog.ncrt@cit.nic.in। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये आशावादी सत्र जिसमें जानेंगे ऑप्टिमिज्म कितना जरूरी है वेलबींग के लिए। सबसे पहले डिस्कशन में आपको शामिल करना चाहूंगी प्रोफेसर के बी रथ साहब, आपसे बात करके ही इतना मोटिवेटेड फील होता है मुझे हर बार, तो मैं शुरुआत बातचीत की वहीं से करना चाहती हूँ ताकि सभी व्यूअर्स समझ पाएं क्या है ये ऑप्टिमिज्म, क्या क्या मतलब, मायने क्या है इस शब्द के, प्लीज थोड़ा समझाएं। थैंक यू मैडम, जिसे आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिए कि आशावादी होना है, बट ये इतना कॉमन शब्द है, हम सभी जानते हैं ये आशावादी। एंड जनरली जिस प्रकार की हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो दो ग्लास वाली कंसेप्ट, एक हाफ फुल एक हाफ एम्प्टी, तो ये सभी जानते हैं। कोई भी एग्जांपल देगा वो दिखा के कहेगा, कोई कह देता है जी ये हाफ फुल तो ये आप आशावादी है, कोई कहेगा जी ये हाफ एम्प्टी वो कहेगा जी ये पेसिमिस्टिक है। लेकिन अभी हम इतने में काम नहीं चलेगा, हमको थोड़ी सी फिर जाना। जैसे हमने कहा, हमने देखे और बोले हाफ फुल, हम ऐसे परसिव क्यों किए, ऐसे मीनिंग क्यों किए, कोई हाफ फुल को एम्फसाइज कर रहा है, कोई हाफ एम्प्टी को एम्फसाइज कर रहा है। दैट मीन्स ये के दृष्टिकोण, हम कैसे नजरिया से उसको देखते हैं। दैट मीन्स इट इज ए मेंटल एटीट्यूड फॉर होप एंड कॉन्फिडेंस दैट समथिंग विल बी सक्सेसफुल एंड माई फ्यूचर विल बी बेटर। लेकिन उसी मेंटल एटीट्यूड के वजह से हमारा क्या होता है ना, एक फीलिंग आता है, और वो फीलिंग क्या होता है ना, समथिंग गुड विल हैपन टू मी एंड आई विल बी वेरी सक्सेसफुल इन माय वर्क। ये जो गुड फीलिंग आएगा दैट विल इंपैक्ट द वेलबींग। ऑब्वियसली जब हम वेलबींग की बात करते हैं, वेलबींग का अर्थ है वो हमारा लाइफ का कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस किस प्रकार की है, जिसको हम क्वालिटी लाइफ कहते हैं, वो कंडीशन क्या है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, सोशल कंडीशन वाइज, ये सभी के दृष्टि से हम बिल्कुल संपन्न होंगे और पर्पसफुल एक्शन कर पाएंगे। किसके लिए, जो लक्ष्य जो गोल हम हमारे लाइफ में रखते हैं उसी को पाने के लिए, उसी लक्ष्य की तरफ जाने के लिए हम उसी रास्ते में चल पाते हैं परसिस्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली। ये जो एक एटीट्यूड रख के परसिस्टेंटली जाना, ये उस प्रकार की वो लाइफ कंडीशंस। बट लाइफ कंडीशंस क्या होता है ना, सारे तो एक जैसे नहीं होता, डिफिकल्ट सिचुएशन भी आता है। उस डिफिकल्ट सिचुएशन जब आएगा तो उस टाइम जो अडेप्टेबिलिटी है उसके साथ अकोमोडेट करने का, उस समय ये आशावादी बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो हम आगे चल नहीं पाएंगे। ऐसे क्यों होता है लाइफ में, क्योंकि जो रियलिस्टिक होता है वास्तववादी, वो क्या है ना, उसको बहुत चीजें तो उसका गोल उसका मींस ये सब क्लैरिटी होती है।
बट हम सभी रियलिस्ट तो नहीं है. आइदर वी विल सी द थिंग्स इन ए ऑप्टिमिस्टिक मैनर और वी विल सी द थिंग इन ए पेसिमिस्टिक मैनर. जब इन्हीं दोनों में से कोई हम चुनते हैं देन दैट इन दैट वे दैट विल अफेक्ट आवर लाइफ. क्योंकि जो थॉट होगा आपका वही थॉट आपका ब्रेन को सेव करता है. एंड एक दृष्टि से मैं और थोड़ी आगे बढ़ाऊं, पूरा आपका लाइफ को आगे तक भी वो आपको सेव करता है. तो इसलिए ऑप्टिमिस्टिक जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण में जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो इंटरप्रिटेशन कभी कभी वो देखता है ये स्टेबल है या ये अनस्टेबल है. स्टेबल मीन्स मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है तो आगे अच्छा ही होगा. अनस्टेबल मीन्स वो डर जाएगा, अभी तो अच्छा कर देगा बट आगे कहेगा अरे अभी अच्छा होगा या नहीं होगा. तो ये चीजें जो आती है स्टेबल अनस्टेबल ये दोनों रहेगा. कभी कभी क्या होता है ना वो ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति देखता है मेरे लाइफ में एक जगह अच्छा हुआ तो आगे जितनी काम करूंगा वो सारे जगह भी अच्छा होगा. जी तो वो ग्लोबल वाली बात है. नहीं तो कभी कभी क्या होगा लोकल, अरे अभी तो हो गया आगे होगा कि नहीं होगा. और सबसे इंपॉर्टेंट जो जब वो इंटरप्रेट करता है सपोज वो सोचता है आज इसी काम की सक्सेस मेरा मेरे करने से मेरे एबिलिटी के वजह से हुआ, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल. जब आपका आपकी बिहेवियर में आपकी काम में इंटरनली आप कंट्रोल हो तो आप उसी काम को बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे. एंड आई विल गिव द गारंटी 100% यू विल बी सक्सेसफुल. सपोज आप एक्सटर्नल कंट्रोल हो जाएंगे अरे पता नहीं बाहर का कोई फैक्टर होगा मैं कैसे करूंगा, तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है तो ये भी हमको तो इतने सारे एग्जांपल देके मैंने एक चीज कहने की कोशिश करा कि ये आशावादी ऐसे दृष्टिकोण को बनाए रखना हमारा वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है. व्यूअर्स, इस आशावादी सोच को बनाए रखना यही आपको जीवन में आगे लेकर जाएगा. उस आशावादी ज्योति को आपने अपने मन के भीतर जगाकर रखना है, तभी आप बड़े से बड़े पैंडेमिक में भी अपने आप को स्थिर रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं. क्यों प्रोफेसर साहब, आपकी सभी एग्जाम्पल्स से मुझे यही लगा कि इस कोरोना महामारी के काल में भी ऑप्टिमिस्टिक रहना सभी को, ना सिर्फ बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, जब हर जगह त्राही त्राही है तो बहुत जरूरी है आशावादी होकर. ठीक है, आपके आसपास चीजें नेगेटिव है फिर भी आप आशावादी बने रहें. चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिसिंग काउंसलर वैशाली पांडे के पास. वैशाली जी, आपके पास यकीनन बहुत से यंग बच्चे आते होंगे आप प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं, तो क्या कुछ ऐसे बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑप्टिमिज्म हम फिगर आउट कर सकते हैं बच्चों में, या पेसिमिस्टिक हैं कुछ बच्चे या कुछ इंडिविजुअल्स, ये हम फिगर आउट कर सकते हैं, प्लीज थोड़ा सा बताएं. यस, थैंक यू मैम. अगर हम बात करें ऑप्टिमिस्टिक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहली उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ग्रेटफुल होते हैं. ऑप्टिमिस्टिक लोग अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों को लेकर ग्रेटफुल होते हैं, चाहे फिर वो अपने फ्रेंड से मिलना हो, अपने पेट के साथ खेलना हो, या फिर अपने किसी भी क्लोज वन को हैप्पी देखना हो, वो हर छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल रहते हैं. अगर हम उनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. सेल्फ मोटिवेटेड से मतलब है उनको दूसरों के अप्रूवल या डिसअप्रूवल से परेशानी नहीं होती है. वो जानते हैं उनका गोल क्या है और वो उस पर फोकस रहते हैं और वो हर चीज के लिए मोटिवेट करते रहते हैं खुद को. और जो उनकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम बात करेंगे वो है रेजिलियंस. ये लोग अपने सिचुएशन के बारे में, अपने इमोशनल रिएक्शन के बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से अवेयर होते हैं, जिस कारण वो अपनी पेनफुल सिचुएशन से जल्दी रिकवर कर जाते हैं. इनकी जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि लेस स्ट्रेस्ड. ऑप्टिमिस्टिक जो लोग होते हैं इनमें कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत उसका लेवल कम पाया जाता है, इसलिए ये लोग इनमें स्ट्रेस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है. नेक्स्ट प्लीज. अगर हम इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह है इंक्रीज्ड अल्टरिज्म. अब इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. मान लीजिए कि आपके पास एक रोटी है,
और आप भूखे भी हैं, लेकिन आपके सामने कोई और दूसरा व्यक्ति आ जाता है जो भूखा है, तो अगर आप अपनी उस रोटी को उस दूसरे भूखे व्यक्ति को दे देते हैं तो ये आपका अल्टरिस्टिक बिहेवियर है, और ऑप्टिमिस्टिक लोगों में इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है फॉरगिवनेस। ये ऑप्टिमिस्टिक लोग जो होते हैं, ये एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी हमें हर्ट करे तो हमें गुस्सा आता है और इट्स नेचुरल, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक लोग ये जानते हैं कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो ये गुस्सा हमें ही नुकसान देने वाला है, इसलिए ये लोग दूसरों को माफ करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। नेक्स्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक है दे जनरेट वेलबींग फॉर देमसेल्फ। ये लोग किसी भी चीज की, जैसे कि सर ने बताया कि ब्राइटर साइड की ओर देखते हैं, तो इनके लिए इजी होता है खुद के लिए वेलबींग जनरेट करना। अब हम लास्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, लेस कंप्लेनिंग मोर टेकिंग एक्शन टू फिक्स थिंग्स। अब एक इंडियन प्रोवर्ब है कि मेरे पास जूते नहीं थे लेकिन मैं तब तक इसकी शिकायत करता रहा जब तक कि मैं एक ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसके पास पैर नहीं थे। तो जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं वो इस तरह की प्रोवर्ब पे बिलीव करते हैं और वो छोटी छोटी चीजों को लेकर कंप्लेन नहीं करते बल्कि चीजों को फिक्स करने की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन में, और अगर किसी भी इंसान में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं तो वो अपने गोल की ओर बहुत ज्यादा अच्छे से सक्सेसफुल पाते हैं। तो चलिए, ये सब तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो बहुत अच्छे से आपने वैशाली जी बता दिए। अब चलेंगे फिर से प्रोफेसर केवीरत जी के पास। प्रोफेसर साहब, कुछ लाइनें मुझे यहाँ याद आ रही हैं। ऐसा कहते हैं कि जब तक चले पैर तब तक ऊंचाई है, वरना शिखर है कौन सा जो छुआ ना जा सके। मतलब जब तक पैर चलते रहेंगे तब तक हम अपने सभी टारगेट्स भी अचीव कर सकते हैं। तो क्या इस ऑप्टिमिज्म का हमारे फिजिकल वेलबींग से, हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग से भी कुछ लेना देना है, थोड़ा सा समझाएं। क्या जिस प्रकार से आपने कहे आई एम द चेंज मेकर, अब जो चेंज लाना है वो मैं ही लाऊंगा, मेरे लिए कोई नहीं लाएंगे। जैसे आपने कहा जब तक चलेगा तब तक मैं चलता ही रहूंगा, काम मेरे चलते ही रहेंगे। सपोज मैं इनिशिएट नहीं करूंगा तो कहां से होगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, मेरा जो एटीट्यूडनल एस्पेक्ट है, मेरा जो करने की प्रयास के मेरे मन के अंदर एक विल है, एक डिजायर है, वो जब तक मेरे को प्रॉम्प्ट करेगा मैं आगे बढ़ता रहूंगा। आगे भले इवन पहाड़ क्यों ना आ जाए, पहाड़ भी आए ना, मैं बैठ के दो मिनट सोचूंगा अरे ये इतना बड़ा है अब क्रॉस कैसे करूं, क्या तरीका होगा। ही विल फाइंड आउट इट्स ओन वे, दैट मींस आई एम द मेकर एंड मैं ही मेरे शारीरिक मानसिक संवेगात्मक हर एस्पेक्ट को एंड सामाजिक ऑल्सो हर एस्पेक्ट को मैं ही कंट्रोल कर पाऊंगा। अब क्योंकि मेरे थॉट है, मैंने पहले कहा है जिस प्रकार की मैं सोचूंगा उस प्रकार की मैं बनूंगा, उस प्रकार की मैं करूंगा। तो वो सोच में जो हम देखे जी ये आशावादी होने से, क्योंकि बॉडी माइंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो जैसे हम माइंड में इस प्रकार की विचार लाते हैं हमारे शरीर के परिवर्तन भी डेफिनेटली कुछ होगा। जैसे आप देखते हैं आप आशावादी रहते हैं जब मैं ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह करने से मेरे हेल्थ बनेगा, और आप एक्सरसाइज भी करोगे अच्छी तरह तो आपका हेल्थ भी अच्छा बनेगा, दैट मीन्स आपका जो फिजिकल फंक्शंस होगा वो बेटर होगा। एंड आपने भी देखा होगा मेडिकल के अंदर, इवन की अभी अभी आपने टीवी मैसेज में या व्हाट्सएप में इस प्रकार की मैसेज आते हुए देखा होगा, जहां पर कोरोना बेड है, पेशेंट्स हैं, वहां पर वो डॉक्टर्स लोग भी किस प्रकार की डांस म्यूजिक इस प्रकार की चीजें क्रिएट कराते हैं दैट द पेशेंट शुड कम अप। यस डेफिनेटली समथिंग जो हुआ हुआ, देखते हैं आगे क्या होगा, लेट्स फेस इट, लेट्स फेस दिस चैलेंज, गो अहेड। तो उसी प्रकार से होगा क्या, इवन की दे विल फील लेस पेन ऑल्सो, क्योंकि आपका अरे कुछ नहीं होगा। नहीं सपोज आप कहोगे अरे मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है, अच्छा हार्ट अटैक हो रहा है, आप पढ़े लिखे आदमी है, आप सब जानते हैं सारे सिम्टम्स, आप उस टाइम फील करोगे मेरे यहाँ थोड़ी पेन हो रहा है।
अब कुछ नहीं होगा बट आपको लगेगा यहाँ पेन हो रहा है, बट आप लोगों के इवन के होते हुए भी आपको होगा अरे नहीं कुछ नहीं हो रहा है, आपको पेन फील नहीं होगा। फिजिकल सिम्टम्स ये सब बीमारियों की जिस प्रकार के करे ये भी कम ये करेंगे। देन 50% लोअर रिस्क का कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्योंकि जो ये भी रिसर्च दिखा गया था 75% पर्सन जो हार्ट अटैक में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं साइकोलॉजिकल, इतना मैंने दैट मीन्स ये इतना साइकोलॉजिकली तो मैं लेकिन आशावादी बनता हूँ, एक अच्छा एटीट्यूड रखता हूँ तो डेफिनेटली कार्डियोवास्कुलर डिजीज से कमी भी आएगी। एंड एक बार आप हॉस्पिटल से आते हैं फिर आपके मन में जब होप आता है यस आई एम क्योर नाउ, आई विल सर्वाइव, आई विल रन माई लाइफ इन ए बेटर मैनर, तब आप देखना री हॉस्पिटलाइज होने की चांसेस भी कम रहेगी। एंड देन ऑब्वियसली जब क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है आपकी इवन की सर्वाइवल ऑफ द कैंसर के अंदर भी आप जो फाइट करते हैं वहां भी रेट आपका बढ़ता, दैट मीन्स फिजिकली भी इस प्रकार के मेंटल एटीट्यूड हमको फेस करता है। नेक्स्ट स्लाइड फॉर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जैसे अभिनय उसने बताया ये उस व्यक्तियों के स्ट्रेस लेवल कम, क्योंकि जो जो हमारा हार्मोन्स है हैप्पी हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन एंडोरफिन सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन, एक जो स्ट्रेस हार्मोन्स है कॉर्टिसोल जैसे इसने बताया, जब वो ज्यादा होता है हम डिप्रेसिव फीलिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो वो डिप्रेशन फीलिंग एंड स्ट्रेस लेवल कम होगा इन लोगों के लिए, क्योंकि दे हैव लेस कॉर्टिसोल एंड हायर परसिस्टेंस, कोई भी काम को करेंगे अंदर से लगन है और करने की इच्छा ही है तो वो उस काम को करते रहेंगे। एंड सबसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात है जो आजकल बड़ा है कि कोरोना को छोड़ दे जो सुइसाइडल आइडिएशन जो सुइसाइडल टेंडेंसी ऑफ द, ये तो जानते हैं आप कि कितना न्यूज पढ़ते हैं क्या है, और ऑप्टिमिज्म ही इनको रिड्यूस करा सकते, हम सुसाइडल प्रिवेंशन के अंदर इस प्रकार की ऑल्टरनेटिव थिंकिंग एंड ये ऑप्टिमिज्म इस प्रकार की इनकल्केट कराना पड़ता है, पढ़ाना पड़ेगा जिसमें कि ये आइडिएशंस कम होगा। देन ऑब्वियसली जब माइंड खुश रहेगा एंग्जियसनेस भी ज्यादा नहीं, एंग्जाइटी लेवल भी आपका बढ़ेगा भी नहीं, देन डिप्रेसिव सिस्टम कम होगा। देन जो हम एंग्जाइटी डिप्रेशन इस प्रकार की केस में ड्रॉग सब्सटेंस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं वो भी नहीं, एंड उनका बेटर कोपिंग स्किल मैंने पहले ही बताया, लाइफ का जब सर्कमस्टेंस क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस आएगा वहां पर उसको अडॉप्ट करने के लिए ये आशावादी लोग बहुत अच्छी तरह काम करेंगे, एंड ऑल टुगेदर दैट विल हेल्प अस टू बिल्ड ए क्वालिटी लाइफ जो कि बहुत एसेंशियल है हमारे जिंदगी। एब्सोल्युटली क्वालिटी लाइफ जो कि हम आप सभी के लिए बहुत एसेंशियल है। बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में हम आ चुके हैं आज के प्रोग्राम की, वैशाली जी आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कैसे ऑप्टिमिज्म को प्रमोट किया जा सकता है एक मेंटल वेलबींग को सोचते हुए, थोड़ा सा बताएं। ओके मैम, ऑप्टिमिज्म को बढ़ाने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं। मोर जनरली क्या होता है कि लोग सोचते हैं हाउ कैन आई बी ऑप्टिमिस्टिक अगर मेरा प्रेजेंट ही इतना नेगेटिव चल रहा है, मेरी सिचुएशन ही इतनी खराब है। तो इसके लिए हमने कुछ टेक्निक्स बताएंगे हम यहाँ पर जो बहुत ही इजी है, इसे कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो इसकी पहली टेक्निक है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अब हम जानेंगे कि इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ग्रेटिट्यूड किसी भी पर्सन के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए हमारा डीपर एप्रिसिएशन होता है, लेकिन अब इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हमको क्या करना है कि आपको अपने दिन में से कुछ टाइम निकालकर अपनी लाइफ की उन चीजों के लिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं उन्हें नोट डाउन करना है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, और ये चीजें जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ से कोई बहुत बड़ी चीज हो, ये छोटी छोटी चीजें हो सकती है। मान लीजिए आपको किसी ने गिफ्ट दिया तो आप बहुत खुश हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, तो आप ये भी राइट डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपके घर में आपकी फेवरेट डिश बनी,
आप इसके लिए ग्रेटफुल है, आप इसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आप उसे लेटर भी लिख सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये हमारे ऑप्टिमिज्म के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेक्निक की, विच इज राइट डाउन योर पॉजिटिव इमोशंस। अब ये टेक्निक, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में हम डेली कुछ ना कुछ इमोशंस फील करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन हम लोग अपने उन पॉजिटिव इमोशंस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है, तो हमें इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो हमको क्या करना है कि दिन भर में हमने जितने भी पॉजिटिव इमोशंस फील किए हैं, चाहे वो लव हो, चाहे वो जॉय हो, चाहे हैप्पीनेस हो, काइंडनेस हो, एनीथिंग, बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस पाए गए हैं जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, आप सब उनको राइट डाउन कीजिए। उसके लिए भी आप एक डायरी बना सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग इन पॉजिटिव इमोशंस को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, जिसके वजह से हमारा ऑप्टिमिज्म का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। अब हम थर्ड टॉपिक जो है, या फिर थर्ड टेक्निक है, इसकी बात करेंगे। ये है सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस। अब सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमारी लाइफ में जब भी कुछ भी अच्छा होता है, तो आप खुद को याद दिलाएं कि इस काम के रिजल्ट के लिए आपने कैसे एक्टिव रोल प्ले किया है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल का यूज कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे। मान लीजिए कि आपने किसी ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और आपको फर्स्ट प्राइज मिला, लेकिन जनरली इस बात को कुछ लोग इस तरीके से लेते हैं, आई गॉट अ फर्स्ट प्राइज बिकॉज आई वॉज लकी। लेकिन अगर हम इस बात को इस तरीके से ना लेकर हम एक दूसरी तरीके से लें, जैसे कि आई गॉट अ फर्स्ट प्राइज बिकॉज आई वर्कड हार्ड फॉर इट एंड आई रियली डिजर्व इट। तो इस तरीके से अगर हम अपने थॉट्स में चेंजेस करके प्रैक्टिस करते हैं चीजों को देखने की, अपना नजरिया बदलने की, तो इससे हमारे ऑप्टिमिज्म का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निक इज ABCDE मॉडल। ये जो मॉडल है ये 5 steps में काम करता है। हम इसको जानने के लिए 5 steps की बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज ए, विच इज एक्टिवेटिंग इवेंट और एडवर्सिटी। यहाँ पर जो एक्टिवेटिंग इवेंट होगा वो हमारी लाइफ का कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जिससे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ स्टडी प्लान बट नाउ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम टू फॉलो इट। ओके, दिस इज योर एक्टिवेटिंग इवेंट। अब इसके बाद आपका बिलीफ क्या बनेगा? जनरली अगर हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो हमारा बिलीफ ये बनता है कि आई एम नॉट गुड, हो सकता है कि मेरे पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, या फिर मैं अपने काम को अच्छे से कभी कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये सारे इस तरीके के बिलीफ बनने लगते हैं। अब जब ये बिलीफ बन जाते हैं तो हमारी थर्ड स्टेज आती है, कॉन्सिक्वेंसेस। अब इस बिलीफ के बाद हमारा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? अब कॉन्सिक्वेंसेस इस तरीके से हो सकता है कि या तो आप फील करने लगे कि अब तो आप ये काम कर ही नहीं पाएंगे, मतलब जैसे आपको पहले अपने स्टडी प्लान को फॉलो करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अब ये हो सकता है कि आपको उसको फॉलो करने में और ज्यादा प्रॉब्लम आए, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी स्टडीज को स्किप करना ही शुरू कर दें, या फिर ये हो सकता है कि आप अपने स्टडी रूम में तो जाएं और स्टडी टेबल पे भी बैठें लेकिन अपनी पढ़ाई पर उतने एफर्ट्स दे ही ना पाए जितने आपको देने चाहिए। तो ये आपका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब बारी आती है डी, विच इज फोर्थ स्टेप, डी फॉर डिस्प्यूट। आपको डिस्प्यूट करना है अपने बिलीफ से, विच इज योर नेगेटिव बिलीफ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने बिलीफ से डिस्प्यूट करेंगे कैसे? तो डिस्प्यूट करने के लिए आपको अपनी लाइफ के वो सारे इवेंट्स के बारे में सोचना है जब कभी भी आपने कोई काम को सक्सेसफुली पूरा किया। मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक कभी सक्सेसफुली पढ़ा हो और आपने उसमें अचीवमेंट पाई हो,
या फिर जरूरी नहीं है वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, हमारी लाइफ में इतने सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे हम कोई भी छोटे गोल्स बनाते हैं या बड़े गोल्स बनाते हैं, जो भी कोई भी गोल आपने सक्सेसफुली अचीव किया हो आप उसके बारे में सोचें। जब आप उन पॉजिटिव इमोशंस के बारे में, पॉजिटिव थॉट्स के बारे में, पॉजिटिव इवेंट्स के बारे में सोचने लगेंगे तो आपका नेगेटिव बिलीफ से डिस्प्यूट होगा, राइट। अब इसके बाद जो हमारी आखिरी स्टेज है, हम अपनी आखिरी स्टेज में पहुंच जाएंगे, विच इज ई। यहाँ पर क्या होगा, हमारे न्यू बिलीफ इफेक्टिव होंगे, हम एनर्जाइज फील करेंगे। तो जैसे अब हम एनर्जाइज फील करेंगे, हमने ये सोचा कि हमने तो बहुत बार हार्ड वर्क किया है, अपने गोल को अचीव किया है, तो हम अब भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप जो है और मोटिवेटेड फील करें, आप अपने काम की ओर और ओरिएंटेड हो जाए और फाइनली आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, फाइनली अपने गोल तक आप पहुंच जाएंगे। और पिछले आधे घंटे में यही सब साझा किया हमारे दोनों ही एक्सपर्ट ने आप सभी के साथ व्यूअर्स, और बहुत खूबसूरती से बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते हुए समझाया। और मुझे लगता है कि दोनों की ही बात कंक्लूड करने के लिए मुझे लगता है यहाँ पर दोनों ने ये समझाया कि अगर हार आपके सामने है भी तो भी आशावादी बने रहें, उससे जूझ कर आगे बढ़ेंगे तभी जीवन में आप वेलबींग की तरफ ऑप्टिमिज्म के साथ बढ़ सकते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हार मिल भी रही है तो वो शायद किसी अगली जीत का उपहार है आपके लिए। तो हार कर भी कभी मैंने हार मानी नहीं है, हार उसके लिए है जो हार को हार माने, हार उसके लिए कहाँ जो हार को जीत का उपहार माने। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये सहयोग सेशन यही खत्म होता है। प्रोफेसर केबी रथ, आपका जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां इतनी सरलता से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू और वैशाली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और आप सभी दर्शकों, बने रहे पीएम ई विद्या के साथ। एनसीईआरटी का रिसोर्स मटेरियल दिन भर आपके लिए जारी है। अभी के लिए आप सभी से विदा चाहूंगी, नमस्कार।